सभी का एक बार फिर स्वागत है एसपीएन 9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं फरहानुद्दीन सिद्दीकी। आप देख रहे हैं लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है, चाहे वह राजनेता हों या फिर फिल्मी हस्तियां हों। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर लगातार उसके विरोध में भी स्वर उठ रहे हैं और उसके समर्थन में भी लोग कूद कर आ रहे हैं। वह कौन लोग हैं जो समर्थन कर रहे हैं और वह किस तरह के लोग हैं जो उसके विरोध में खड़े हुए हैं, यह सोचने वाली बात है। यदि हम समर्थन की बात करें तो समर्थक वही लोग हैं जो 2014 से अब तक भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहे थे। कोई भी खराब योजना हो या नोटबंदी जैसा एक काला धब्बा हो जो देश के इतिहास में काले धब्बे के रूप में जाना जाएगा नोटबंदी को, वह उसका भी समर्थन करते हुए नजर आ रहे थे। लिंचिंग की बातें आती थी तो वह उसके पक्ष में भी खड़े हो जाते थे। तो अब तक यह देखने को मुझे मिला ही नहीं, वह समर्थक जो 2014 से भारतीय जनता पार्टी के पीछे लगे थे, वह किसी भी घटनाओं को लेकर, कितनी भी दुखदायी घटना हो, उन्होंने आलोचना नहीं की अब तक। यही अंधभक्ति शायद कहलाती है, जिनको हम अंधभक्त कहते हैं। आपको याद होगा नसीरुद्दीन शाह ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर विरोध किया था, ट्वीट भी किया था, और अनुपम खेर की जब बात आई थी उन्होंने कहा था कि वह एक जोकर के समान हैं। और वह क्यों ना उन्हें जोकर कहें, मैं यह भी जानना चाहता हूं अपने व्यूवर्स से, क्या अनुपम खेर जोकर के समान हरकतें नहीं कर रहे हैं? जब एक कार्यक्रम में कहा जाता है कि क्या आप प्रधानमंत्री मोदी के चमचे हैं, तो इस बात को स्वीकारते नहीं है क्या? क्या वह इस पर हामी नहीं भरते हैं? यह बहुत ही दुखदायी था। जो आपके समर्थक थे, जो आपकी अदाकारी को पसंद करते थे, आपने उन्हें चोट दे दी अपने आप को चमचा कहकर। नसीरुद्दीन शाह ने जब यह बयान दिया तो उसके तुरंत बाद एक वीडियो रिलीज करते हैं, जारी करते हैं अनुपम खेर, ट्वीट भी करते हैं और यह कहते हुए नजर आते हैं कि आप किस प्रकार के पदार्थों का सेवन करते हैं, यह हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। वह किसी भी प्रकार के पदार्थों का सेवन करते होंगे, नसीरुद्दीन शाह कुछ कुछ भी सेवन करते होंगे, लेकिन वह अपने आप को किसी का चमचा तो नहीं कह रहे हैं। अपने आप को चमचा कहना क्या साबित करता है, आप बताएं और हमारे व्यूवर्स भी बताएंगे। इस तरह के बेतुके बयान कौन देता है, जब कोई पदार्थों का सेवन करता है या फिर जो पदार्थों का सेवन नहीं करता है। मुझे लगता है जो कुछ अलग तरह के पदार्थों का सेवन करता है वही इस तरह की बातें करता है कि हाँ मैं चमचा हूं, मैं उसकी बाल्टी हूं, जिस तरह के बयान दे रहे थे अनुपम खेर। नसीरुद्दीन शाह की यह हिमायत करते नजर आए हैं बॉलीवुड के महान निर्देशक हैं राहुल ढोलकिया। उन्होंने कहा है कि नसीरुद्दीन शाह एक बहुत ही अच्छे अभिनेता हैं, वह कभी भी ऊटपटांग बयान नहीं देते हैं, उनके बयान सभी सधे हुए होते हैं। यदि नागरिकता संशोधन कानून के संबंध में बयान दे रहे हैं तो वह कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, बल्कि वह अपने अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं जो अधिकार उन्हें संविधान से प्राप्त हैं। सरकार से सवाल कर सकते हैं, आलोचना भी कर सकते हैं। यहां पर हम देख रहे हैं कि जब भी सरकार का समर्थन करने के लिए कोई भी अभिनेता उतरा है, कोई राजनेता उतरा है, तब सरकार का विरोध करने वालों ने उन लोगों का कभी विरोध नहीं किया है, बल्कि विरोध तब किया गया है जब नोटबंदी जैसे एक काला धब्बे को, काले धब्बे क्या, आप समर्थन करते हुए नजर आते हैं। जब देश से कारोबार लुट जाता है, अर्थव्यवस्था नीचे गिर जाती है, तब उन लोगों का विरोध किया जाता है, वरना किसी का समर्थन करने पर विरोध क्यों किया जाएगा? वह आपकी विचारधारा हो सकती है, इसलिए आप उस विचारधारा का समर्थन कर रहे हैं। यहां राहुल ढोलकिया ने बहुत ही अच्छा बयान दिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण बयान है, नसीरुद्दीन शाह की हिमायत करते हुए नजर आए हैं। साथ ही साथ उन्होंने अनुपम खेर की किसी भी प्रकार की आलोचना नहीं की है, उन्होंने उनकी भी अदाकारी की तारीफ की है और कहा है कि वह भी एक सधे हुए अभिनेता हैं। लेकिन नसीरुद्दीन शाह को जिस तरह कहा अनुपम खेर ने कि आप किस तरह के पदार्थों का सेवन करते हैं, यह बातें खारिज होती हुई नजर आ रही हैं। यदि करते भी होंगे तो उन्होंने बेतुके बयान तो अब तक बिल्कुल भी नहीं दिए, बल्कि आपके बयानों से यह जाहिर होता है कि आप किसी प्रकार के पदार्थ का सेवन अवश्य करते होंगे। हम आपको बता दें कि नसीरुद्दीन शाह ने अनुपम खेर को साइको भी कहा था और कहा था कि जितने भी उनको जानते हैं, परिचित लोग हैं, वह सब जानते हैं कि उनका दिमाग किस तरह का है। तो यहां पर आपको क्या लगता है, आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किसी अलग तरह के पदार्थ का सेवन अनुपम खेर करते हैं
या फिर नसीरुद्दीन शाह करते हैं। अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा, धन्यवाद।